बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गैस। अभी कोई 9 बजे का टाइम है और जस्ट अभी उठा हूँ मैं, क्योंकि कल का बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो रात को इतनी अच्छे से नींद आई ना, यकीन नहीं कर रहा, सुबह उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो अभी जस्ट उठा हूँ और एक तो लाइट नहीं है, मैंने नहाना था, कब का गया हूँ, मीन्स कि आधा घंटा हो गया, तो वेट कर रहा था लाइट का, लाइट आ जाए तो नहाऊं, क्योंकि उधर भी कल मैं नहीं नहाया था कि ना। मुझे दूसरों के घर नहाना अच्छा नहीं लगता, मीन्स कि वहाँ पर दिल भी नहीं करता, बस मुँह धो बस खत्म। तो बंदा घर ही नहा लेता है अच्छे से। और अभी सुबह के टाइम है, खैर नाश्ते तो दूर की बात है, वो तो मैंने की नहीं, लेकिन पहले नहाऊंगा, वेट करूंगा लाइट का, अगर आती है तो वेट करूंगा, उसके बाद ही नाश्ता करूंगा। और अभी ना काफ़ी देखें, धूप निकल चुकी है, सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका है और बाइक भी मेरे पे धूम देख में खड़ी है। और दूसरा बाइक कहाँ से चेक करें, दूसरा तीसरा दिन है, मीन्स कि मेरे ख्याल में 4-5 दिन हो गए इसको किसी ने चलाया तक नहीं है, और इस पे इतनी धूल मिट्टी जमी हुई है ना, देखिए यहाँ पे। तो सोच रहा हूँ आज ना इसकी अपने करीबी बाज़ार से जाके सर्विस करवा लूँगा, अब की इसकी सर्विस नहीं करवाई। और बाकी यहाँ पे रही माशाल्लाह से हमारी गाड़ी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई तो चले गए हैं नारायण कागान उधर टूर के लिए, तो इसका जो ऊपर वाला कपड़ा होता है वो भी नहीं लिया। एक दफ़ा लेने गए थे वहाँ से, अपने बाज़ार से नहीं मिला था, तो फिर ना भाई ने ऑर्डर किया था, मेरे ख्याल में ऑनलाइन कहीं से ऑर्डर किया हुआ है, तो कल या परसों तक आ जाएगा, भाई ने कहा रिसीव कर लेना। तो अभी तो हम जस्ट ऐसे गुजारा कर रहे हैं, देखें ये अभी हवा चल रही है ना ठंडी ठंडी, तो ये कपड़ा नीचे आ गया है, और कुछ बेडशीट हमने डाली हुई हैं, कुछ ऐसी चादर वगैरह डाली हुई है, बस थोड़ा बहुत कवर किया हुआ है इसको, और मेहरान का तो अपना है पड़ा। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था, तो अभी ये हो गया सारा कंप्लीट, रोड वाला भी और दरमियान वाला भी। आज मौसम इतना प्यारा है ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखिए यहाँ से आपको मालूम हो रहा होगा काफ़ी हवा चल रही है। और ये देखें जी, दाल जान के चावल भी ऑलमोस्ट, वैसे बहुत सी जगह पे मैंने देखा है कि चावलों की कटाई जारी हो चुकी है, लेकिन हमारे थोड़े से कच्चे हैं, मीन्स कि ज़्यादा ही कच्चे हैं। ये देखें अभी बस थोड़े थोड़े ही पक्के हैं, ये जो येलो कलर में है ना, जैसे ही पके हुए हैं बस, ये जो ग्रीन में है ये अभी कच्चे हैं, अभी इनको बस थोड़ा टाइम लगेगा ये पक जाएंगे। ये देखें ये येलो वाले पक्के हैं, जल्दी पक जाएंगे, 10 से 15 दिनों में ये रेडी होंगे, फिर इनकी कटाई शुरू हो जाएगी। ये रहा हमारा छोटा सा बकरा, हमने इसको ना ऐसे ही खेतों में सुबह सुबह छोड़ दिया, बल्कि इनफैक्ट डेली ऐसा करते हैं, इसको ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये ऐसे चरता रहता है, खुद सारा दिन खुद खाता है, अपनी मर्जी का मालिक है। तो यही फ़ायदा है देहातों का, देखें जब भी हम लेते हैं ना छोटे छोटे जानवर इस तरह के, तो हम उनको ऐसे ही फ्री खेतों में छोड़ देते हैं। अब ये ज़्यादा तो खैर खाते नहीं, ना ही ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो बस ये अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से पलते हैं, पेट जब भर जाता है तो छाँव पे आके बैठ जाते हैं, दोपहर को उनको पानी भी पिलाते हैं। छोटा सा है अभी, पता नहीं कब बड़ा होगा। ये रही हमारी बेर, और इस पे भी ना अब छोटे छोटे देखें फल लग रहे हैं, अभी बिल्कुल ब्रीक हैं, तो अभी इसको काफ़ी टाइम लगेगा, इसको भी खाएंगे इंशाल्लाह मज़े से। और ये देखें मज़े की बात यह है कि एक ही पौधा है हमारा भिंडी का, और उस पे भी काफ़ी सारी भिंडियाँ देखें लगी हुई हैं। ये देखें जी, ये भिंडी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 6 लिटरली देखें एक ही पौधा है और इतनी सारी। अगर हमारे इस तरह के 5-6 पौधे होते ना, तो हमारे एक टाइम की सब्ज़ी हो जाती ईजिली। सो फाइनली गाइस, अभी नहा चुका हूँ मैं, और लाइट वैसे भी अभी तक नहीं आई, मैंने बहुत वेट किया, अभी 10:15 है, 10:15। तो पैराडॉल, पैराडॉल कहाँ पे है? ये पड़ी है पैराडॉल, अमीजन मांग रही है, ये लो ले जाओ। अच्छा जी, तो लाइट का बहुत ज़्यादा वेट किया, मैंने कहा चलो अब तो लाइट नहीं आती, तो मैंने हैंड पंप पे ही नहा लिया। अब भी कंघी करते हैं, और उसके बाद जी अमीजन नाश्ता भी बना रही हैं, नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो होगी सारे दिन की रूटीन इंशाल्लाह। तेल मैं नहीं लगाता, हालांकि तेल यहाँ पे पड़ा भी है, लेकिन मैं नहीं लगाता, पहले लगाता था, मीन्स के मैटर तक मैंने लगाया है तेल सर पे ना, तो कब का छोड़ दिया हुआ है तेल मैंने, शायद यही वजह है मेरे बाल गिरने की भी, देखें बाल काफ़ी सारे गिर गए। लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को भी लाइक कर दें, शुक्रिया। तो फाइनली आज आप लोगों को पता है, आज से कोई 4-5 दिन पहले, मीन्स के 1 हफ्ता पहले हमारा मुर्गा जो है वो मर गया था, आज कज़न जो है वो मुर्गा ले आया है। कितने का मिला ये? कितने का होगा ये? होगा कोई 400 से 500 का। कितने का है? कितने का? 400 से 500 का। 700 रुपए का? 700 का ये भाई। आप लोगों को पता है, जैसा कि हमने काफ़ी दिन पहले ना ये नलका वगैरह लगवाया था, नलका मीन्स के जस्ट ऊपर जो है ये मशीन फिट करवाई थी, तो अभी ना इसका फर्श नहीं लगा था, पहले था सही, वो देखें टूट गया बिल्कुल, हमने उसको साइड पे कर दिया, अभी न्यू लगवा रहे हैं। तो सुबह सुबह ये मिस्त्री भाई जान आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत से ठीक है? अल्लाह का करम है। फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक। चौखा टाइम लग सी थे उतरे? टाइम लग गए थे तकरीबन 2 घंटे। चलो जी, बेस्ट ऑफ लक, चार जन साथ में एज ए हेल्पर रहेंगे, ठीक है ना। और उधर वो काम हो रहा है, इधर दाजान बैठे हैं, दाजान से भी गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दाजान? ठीक ही वे?
तबीयत से ठीक है। दादी जान की मैंने पहले बताया था कब की दादी जान की तबीयत ख़राब है, इसके बुखार नहीं है, थोड़ी बहुत खांसी है तो चल नहीं सकती, कमज़ोरी सी आ गया ना, तो वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आज ना सिरप ले आऊँगा कोई ताकत का। जिया थी आए हैं बस, रात सही गुजर गया। हाँ वो तो नहीं था, किसी और के घर जाना पड़ गया था। जिस लोकेशन पे मैंने जाना था वहाँ पे अचानक से फौत की हो गई थी, वो घर आ गए थे, फिर मुझे अचानक दूसरी लोकेशन पे जाना पड़ा, वो भी उन्हीं की रेफरेंस पे ना। तो मेरा हाँ बस वही, तो रात को ना एक्चुअली मैं इतना थक गया था, फिर मैंने घर कॉल की, मैंने कहा बस मीज के मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था ना थकावट की वजह से, तो घर वाले इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो बाद में मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा कुछ भी नहीं है बस अभी मैंने खाना वगैरह खा के सो रहा हूँ। घर में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। दादाजान से मेरी बात तो नहीं हुई थी कॉल पर, लेकिन यह कि जब मैं यहाँ पे आया तो दादाजान मुझे पता चला दादाजान सुबह का मेरा पूछ रहे हैं कि आया कि नहीं, आया कि नहीं, तो मैं काफ़ी लेट आया ना रात को, तो दादाजान को मिलने के लिए आया था। नहीं करो ये धागा देखो वो कर रहे हैं, नहीं करो इसको, उठाओ इसको उठाओ, उठा दो। और अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता भी नहीं किया मैंने अभी, टाइम को 11 बजे का, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। असल में अम्मी जान हाँ बहुत रात को इतना थक के सोया ना, सुबह नींद नहीं खुल रही थी बिल्कुल, क्या कर सकते हैं, उनके अचानक से फौत की होगी। आपके क्या लगते हैं वो जिनकी फौत की हो ना वो इनके क्लोज हैं काफी, भतीजे दे मामे भतीजा दे उडो मेरे मां दे मसात। जिस जगह पे मैंने जाना था वो दादाजान के भतीजे हैं, जिस जगह पे मैंने जाना था वो दादाजान का भतीजा था, तो फिर उनका मामा फौत हो गया, तो इनके मीन्स के वो सारे नान के माम के मीन्स के इनके क्लोज रिलेटिव्स हैं, तो उनकी फौत की हो गई अचानक से, काफ़ी दुख हुआ। अचानक रोड एक्सीडेंट हुआ और वहीं पे उनकी डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में अचानक से, तो काफ़ी गहरा सदमा है दादाजान के लिए भी सबके लिए। तो अभी नाश्ता तैयार है, नाश्ता अभी जन बना रही थी लेकिन यह है कि गेस्ट आ गए अचानक से अभी, तो फाइनली गैस नाश्ता आ चुका है, रोटी दाल, दाल में मक्खन भी आज काफ़ी देर बाद काफ़ी अरसे बाद खाने को मिल रहा है, और साथ में लस्सी, और साथ में बैठी हानिया। हानिया क्या कर रही हो, ए नहीं करो यहाँ पे देखें जी, हानिया और उसका काका इकट्ठे सो रहे हैं। हानिया को क्योंकि लाइट नहीं है अंदर तो काके को बाहर सुला दिया, तो हानिया ने कहा मैं भी अपने काके के साथ ही सोऊंगी। हानिया हानिया ऐसे कर दो, हानिया बाय बाय कर दो, हानिया बाय बाय कर दो, बाय बाय। दादाजान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बुखार नहीं है बस खांसी है थोड़ी बहुत, और ना कमज़ोरी सी होगी, चल नहीं सकती, तो इसलिए मैंने दादाजान को कहा कि जल्दी से रेडी हो जाएं, अब सोए सोए तो आराम आएगा नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा तो दवाई ले आते हैं। अभी ना बड़ी मुश्किल के बाद हमने ना एक छोटी मुर्गी को पकड़ा है, क्योंकि अरे बस चुप, चल चुप, इतना भगाया है ना इसने, इतना तंग किया, मैं भी साथ था बट ये ना जल्दी हाथ में आ गई, ज़्यादा इसने टाइम नहीं दिया हमारा, तो असल में दादाजान की तबीयत ख़राब है ना, तो डॉक्टर के पास हम गए थे, डॉक्टर अरे चुप कर, चुप 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 कर गए। अच्छा तो अरे यार इसको ले जा, चल ले जा, ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए, असल में ना दादाजान की दवाई मैं ले आया हूँ, और डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ना इसकी छाती जो है वो कंप्लीट बंद हो चुकी है, क्योंकि ना इसको काफ़ी दिन से ना वो खांसी है ना, तो जिसकी वजह से इसकी छाती बिल्कुल बंद हो गई थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा गर्म चीज़ें खाइए, सूप वगैरह इस टाइप का, बाकी कोरोना वगैरह खैर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, साहब ने कहा ना इसको आप यखनी पिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सूप पिलाएं, किसी मुर्गी का, देसी मुर्गी का या बकरे का या जो भी हो, तो ये दादाजान की अपनी मुर्गी थी, तो उसने कहा इसको पकड़ो और ज़िबह कर दो, तो इसी की यखनी पिएगी, अभी पकड़ तो लिया है दादाजान, इसको बनाया गया। ज़िबह कर दिया इसको, माशाल्लाह। 2000 years later. वही सुबह सुबह लाइट गई थी, और उसके बाद अभी तक लाइट नहीं आई, और सुबह ना मेरी चार्जिंग भी शायद 53 थी, तो वो भी बस बड़े मुश्किल से 1 बजे आके मोबाइल बंद हो गया था, 1 या 2 थे मेरे ख्याल में ना, जब दादाजान की दवाई वापस लेके आया था ना, जब मुर्गा पकड़ा था उसी वक्त मेरा मोबाइल जो है वो ऑफ हो गया था। उसके बाद बाकी का व्लॉग मैं बिल्कुल कंटिन्यू नहीं कर सका, उसके बाद कुछ भी नहीं दिखा सका, क्योंकि बैटरी बिल्कुल नहीं थी, 0 था, और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत परेशान था, लेकिन बाद में मेरे जहन में आई यार दो दो गाड़ियाँ खड़ी हैं घर में माशाल्लाह, तो यहाँ भी तो सिस्टम होता ना चार्जिंग का, तो फिर जल्दी से मैं गया केबल लाया, और इस मेहरान गड्डी में मैंने अपने सेल को चार्ज पे लगा दिया। यहाँ पे चार्जिंग काफ़ी स्लो थी, तकरीबन 1-1.5 घंटे में जस्ट 25% हुई है, तो मैंने कहा चलो
कुछ तो हो गई, बाकी ब्लॉग कंटिन्यू कर लेते हैं। ये रही 10 जान के मेडिसन्स, जिसमें एक सिरप है और बाकी जो है ये टैबलेट्स हैं। तो ये एक खुराक तो मैंने खिला दिया दोपहर को ही, अभी एक इनमें से रात को खिलानी है, और एक टैबलेट ऐसी है जो रात को सोते वक्त खानी है, वो भी चाय के साथ। तो अभी 10 जान को ना कब की मीन्स की आधा घंटा हो गया, 10 जान को सूप हमने बना के दे दिया था और अभी रेस्ट कर रहे हैं 10 जान, और सूप के बाद हमने मेडिसिन भी दे दी थी। तबीयत की में उन्होंने इंजेक्शन भी लगाया था, तक डॉक्टर साहब ने कहा कल तक इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। तो होप सो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि 10 जान को जल्द जल्द आराम आ जाए। अभी कुछ 5:30 बजे का टाइम है और सूरज जो है वो ऑलमोस्ट ग़ुरूब हो चुका है। देखें के मकानों का काम हम फिर से शुरू करवा रहे हैं ना, तो इसी के लिए रेता तो आ गया, अभी ईंटों की बारी है तो ईंटें भी आ गए हैं। हमने ना लिटरली एक छोटा डंपर मंगवाया है, एक बड़ा होता है जिसपे 4000 ईंटें आती हैं, लेकिन हमने छोटा मंगवाया है, इस पर 2500 है, जस्ट 2000 या 2500। तो ये छोटा वहाँ से ईजिली आ जाता है, क्योंकि हमारा रास्ता ख़राब है ना, अक्सर टूट भी जाता है रास्ता हमारा। तो पहले डिसाइड हुआ है इस रेत के पास ही यहाँ पर उतार देते हैं, लेकिन यहाँ पर भिंडी भी थी हमारी, वहाँ पर तो खोलंगा भी है, वहाँ पर आम भी था, मुझे लगता है ये सर कुछ जाने वाला है अभी, क्योंकि और कोई जगह नहीं है ना हमारे पास, जगह इतनी तंग है, वहाँ पे भी नहीं उतार सकते, वहाँ पे भी हमारी गाड़ी आती है तो काफ़ी मसला बनेगा, तो बस यहीं पे उतार रहे हैं इसको। मुझे लगता है थोड़ा सा चावल भी जाएंगे बीच में बस। काफ़ी धूल हो गई, ओए ओए कुछ नहीं दिख रहा। तो आज के व्लॉग में जस्ट इतना ही है, एक छोटा सा व्लॉग है, तो दुआ कीजिएगा 10 जान के लिए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। तो बस आज के व्लॉग का यहीं पेंट करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से कल तो फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।